मान दूंगा चार देव के द्वारा रचा गया सूत्र है। जिन शासन पर जब जब भी कोई संकट है तो हमारे आचार्य भगवंतों ने भगवान का स्तवन के करके उसे दूर करने का प्रयत्न पुरुषार्थ किया है। अब हमें ये सोचने की बात है, क्योंकि संसार में रहने वाले प्रत्येक प्राणी पर कर्मों का आवरण तो लगा हुआ है और कर्मों जैसे अनेक प्रकार की आपत्तियां भी आती हैं। शुभ कर्म का उदय जब आता है तो वो आपत्तियां भगवान की भक्ति से दूर भी होती हैं। अजय मेरू कहें या अजमेर कहें समझ में नहीं आता, क्योंकि हमने तो नाम अजय मेरू सुन रखा है। उस अजय मेरू नगर में अनेक जिनालय हैं और उन जिनालयों में हमारे आचार्य भगवंतों ने भगवान के जीवन से संबंधित अनेक घटनाओं का वर्णन किया है। पूर्वजों ने जिनालयों का निर्माण इसीलिए किया था कि पीढ़ियों की संतति जब आगे भी चलेगी तो उन जिनालय में आकर के भगवान की भक्ति कर रहे करेंगे, जिनेंद्र दर्शन करेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। होता है भगवान आदिनाथ ने जिस समय दीक्षा धारण करने के बाद केवल ज्ञान प्राप्त किया था, समोसरण की रचना सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने की थी और उसके बाद दिव्य ध्वनि खिलने के अनंतर, क्योंकि केवल ज्ञान के बाद भी भगवान का श्री विहार तो होता ही रहता है, वो श्री विहार कैसे किया जाता था शास्त्रों में वर्णन आता है कि कमल पुष्पों की रचना देवों के द्वारा की जाती है और उससे भी चार अंगुल अधर भगवान का श्री विहार होता है। ये हमने शास्त्रों में पढ़ा है। यदि हम उसे अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो अजमेर नगर में सोनी जी की नसिया में पूर्वजों ने वो रचना तो तैयार की थी लेकिन अभी तक उसकी स्थापना नहीं हो पाई थी। 3-4 पीढ़ियां बीतने के बाद वो रचना अब सब लोगों के लिए दर्शनीय होगी। भगवान आदिनाथ को राजा श्रेयांश ने आहार दिया हस्तिनापुर में। एक वर्ष करीब बीत गया था, शास्त्र कहते हैं कि इससे ज्यादा काल के उपवास नहीं हो पाते। 6 महीने योग धारण करके उन्होंने ध्यान किया था और उसके बाद 6 महीने उन्हें मुनिचर्या के योग्य निमित्त नहीं मिला
इसलिए एक वर्ष का काल बीत गया और राजा श्रेयांश ने पूर्व हो के संस्कारवश उस बात को जाना और समझा और भगवान ऋषभदेव को नवदा भक्ति पूर्वक जैसे दिगंबर साधु को जैसे भक्ति पूर्वक आहार दिया जाता है उसी प्रकार राजा श्रेयांश ने भी भगवान को मुनि अवस्था में पड़गाहन आदि करके नौदा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया था। आप सभी लोग नगर में साधु आते हैं और नौदा भक्ति पूर्वक उनको आहार देते हैं। राजा श्रेयांश ने किस प्रकार नौदा भक्ति करके और भगवान आदिनाथ को, क्योंकि सबसे पहला व्यक्ति ही वो था राजा श्रेयांश के रूप में जिसने श्रावक धर्म के मुख्य कर्तव्य का पालन करते हुए और भगवान ऋषभदेव ही वो प्रथम तीर्थंकर थे। तीर्थंकर तो बाद में बने किंतु मुनि अवस्था में मुनि की चर्या कैसी होती इसे सबसे पहले उन्होंने बताया था। इन दोनों घटनाओं को श्री विहार की और आहार दान की दोनों घटनाओं को सोनी जी के नशिया में अभी तक देखा नहीं हमने, केवल कमरों में बंद थी वो बंद करके, लेकिन अब समय ऐसा आया है जिस समय को पाकर के, क्योंकि होता है अनेक प्रकार के कारण होते हैं जिन कारणों से कार्य संपन्न नहीं हो पाते हैं और जब काल आता है समय आता है तो संपन्न करने के लिए वैसा व्यक्तित्व भी प्राप्त हो जाता है। इन दोनों घटनाओं को सोनी जी के उस कुल में उत्पन्न हुए प्रमोद जी ने अपना मानस बनाया है कि अपने पूर्वजों ने जो रचनाएं बना करके रख दी थी उन रचनाओं का, क्योंकि भगवान ऋषभदेव उस नशिया के मुख्य भगवान हैं और भगवान ऋषभदेव से संबंधित दोनों घटनाएं भी रचनाएं बनी भी रखी हैं इसे प्रकट करके और सारे जनता के लिए से दर्शन करने के लिए खुला रखा जाए, बड़ी अच्छी बात है। बहुत सोच समझ करके उन्होंने इस कार्य को संपन्न किया है और अजय मेरु के सब लोग ये चाहते भी हैं कि वो दोनों घटना अब आचार्य महाराज के हाथ से सबको दर्शनीय बने, ऐसी भावना लेकर के उन्होंने आज अपने साथियों के साथ संपन्न भावना व्यक्त की है। योग की बात है, वे भी पांचवी पीढ़ी में, हम भी पांचवी पीढ़ी में, ऐसा सुखद संयोग यदि प्राप्त होता है तो बहुत अच्छी बात होगी और इस कार्य को वे अपने हाथों से संपन्न करेंगे, ऐसी मंगल भावना हमारी है। और यदि, क्योंकि साधु इस पूर्ण बात तो कभी कहता नहीं है, वो यदि शब्द लगा करके प्रयोग करता है,
यदि हमारे हाथ से हमारे सानिध्य में ही ये कार्य संपन्न होना हो होना है तो उसका संयोग भी बन सकता है, ऐसे कोई बात नहीं। बंधुओं, ये पूरे अजमेर जिले के गौरव की बात है कि सोने जी की नसिया जिन धर्म की प्रभावना के लिए पूर्वजों के समय से, हम जहाँ तक समझते शायद मूलचंद जी सोनी के समय से वो खड़ी है और जिन धर्म की प्रभावना में सतत अपना योगदान दे रही है। एक चातुर्मास भी उस नशिया में हुआ है और दूसरा चातुर्मास थोड़े धड़े की नशिया में हुआ था। दो चातुर्मास भी संपन्न अजमेर में करने का गुरुदेव के साथ ही अवसर मिला। बात रही है आज के बिहार की, किशनगढ़ वाले तो अभी ऐसा लग रहा है कि जितना लूट सके उतना लूट रहे। आचार्य संघ किशनगढ़ आ गया परीक्षा के निमित्त से, लेकिन इस बीच किशनगढ़ वालों ने ये थाम रखा है कि जब तक महाराज यहाँ रहेंगे या हम जब तक महाराज को नहीं जाने देंगे, वो बात तो संभव नहीं है, ध्यान रखना, हम नहीं जाने देंगे ये बात संभव नहीं है, लेकिन जब तक महाराज यहाँ रुकेंगे तब तक जितना हम लूट सकें उसे लूट लें। और ये लूटना, ये लूट अच्छी है क्योंकि धर्म के कार्य संपन्न हो रहे हैं और धर्म कार्यों में संघ का सानिध्य आप सबको प्राप्त हो रहा है, ये आपका विशेष लाभ की बात है। आज सायंकाल मयूरा के लिए संघ का कुछ हिस्सा बिहार करेगा और वहाँ पर वैदिक प्रतिष्ठा संपन्न करके और वापस यहाँ पर आएंगे, क्योंकि अभी किशनगढ़ के सब कार्य पूरे नहीं हुए हैं। अगले आने के बाद जितने दिनों में वो कार्य संपन्न होंगे उसके बाद संघ का बिहार करने का यहाँ से मानस है और बिहार करके ये धर्म प्रभाव के जो जो भी कार्य हैं उन्हें संपन्न करते हुए और आगे उदयपुर की तरफ बिहार करना है, क्योंकि वहाँ भी प्रतीक्षा इसी बात की है। तो ये धर्म प्रभावना के कार्य संघ के सानिध्य में जो जो भी संपन्न हो रहे हैं होंगे उन सब में आपका अभूतपूर्व योगदान है और उस योगदान को ये समाज सर्वदा बनाए रखे और देव शास्त्र गुरु की भक्ति में संलग्न रह करके अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर सकें, इन्हीं मंगलमय भावना के साथ चलो आदिनाथ भगवान की।